वेलकम टू योर ओन चैनल इजी मैथ विद सरिता गोयल। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेवन्थ, कंपेयर ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर का मतलब होता है कि इफ दे आर इक्वलेंट, या तो दोनों इक्वल होंगे और वन इज ग्रेटर और वन इज लेस। सो व्हाट इज द स्टाइल? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन, -8/3 एंड -19/-6। सबसे पहले जब भी कंपेरिजन करना है यू हैव टू चेंज इन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। हेयर द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है ना, तो वट यू विल डू, आप डायरेक्टली माइनस का साइन ऊपर ले जाइए तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। अदरवाइज 19/-6 को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से करेंगे, इट विल बी -19/6। तो सर देर इज नो नीड ऑफ दिस, यू कैन टेक डायरेक्टली अप, तो हमारा हो जाएगा -8/3 और ये बन जाएगा -19/6। नाउ यू हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, -8/3 और 19/6 का आप बना दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, फर्स्ट न्यूमरेटर विद सेकेंड डिनोमिनेटर, सीक्वेंस को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, सेकेंड न्यूमरेटर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, इसको आप चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। फर्स्ट न्यूमरेटर सेकेंड डिनोमिनेटर, सेकेंड न्यूमरेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर। सो -48 इट विल बी -57। नाउ यू विल सी -48 एंड -57। सो नेगेटिव्स में जितना स्मॉल नंबर होता है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मीन्स नेगेटिव्स में उल्टा होता है। अगर पॉजिटिव है तो 48 स्मॉल है, 57 बिग है, बट अगर आपके पास दोनों नेगेटिव्स हैं तो -48 आपके पास बिग है और -57 स्मॉल है, तो ये आपके पास बिग। अब क्योंकि ये साइड आपके पास -48, सो ये जो आपका फ्रैक्शन है दैट इज, सो -8/3 ग्रेटर देन -19/6, तो हम लिखेंगे -8/3 इज ग्रेटर। और स्मॉलर कौन सा हो गया, आपके पास स्मॉलर कौन सा, -19/6 इज स्मॉलर। अब अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं, बिकॉज बोथ आंसर आर नॉट सेम, हम लिख देंगे -8/3 इज नॉट इक्वल टू -19/6। देखो एक ही सम के अंदर हमारे सारे सम्स आ गए, सबसे पहले ग्रेटर, फिर स्मॉलर, फिर 19/6, दैट इज नॉट इक्वल टू -8/3। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, वन एग्जाम्पल इज देयर, -7/8 एंड 14/17। अगेन वी आर टेकिंग, इसी में तीनों कॉन्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, दिस इज -8। अब ये फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं, अब डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर नीचे देखो, यहीं पर कट कर देते हैं, ये कट हो गए दोनों, देन इट विल बी 7/8 और 14/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीक्वेंस को आप चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, 7/17 और 14/8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 119 और ये बन जाएगा 112। नाउ बोथ आर पॉजिटिव, सीधा ही पता चल रहा है ये ग्रेटर है, तो इस साइड का आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन नहीं रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सो आप इसका तीनों आंसर क्या लिखेंगे, -7/-8 इज ग्रेटर। अगर आपको स्मॉलर पूछा जाता है, स्टाइल विल बी सेम, आप लिखेंगे 14/17 इज स्मॉलर। अगर आपको पूछा जाता है आर दिज इक्वलेंट, हम बोलेंगे नो, -7/-8 इज नॉट इक्वलेंट टू 14/7। तो होप आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर, स्मॉलर और नॉट इक्वलेंट सबके लिए एक ही स्टाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, देन स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको उसका कंपैरिजन करना है, एंड कंपैरिजन के बाद एक ही स्टाइल से आप ग्रेटर, स्मॉलर और नॉट इक्वल टू और इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हो। इफ बोथ आर सेम तो हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन डाल देंगे, तो ना वो ग्रेटर होगा ना वो लेस होगा, वो सिर्फ इक्वल टू रह जाएगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज अगेन एंड अगेन टू मेक द कंसेप्ट क्लियर इन योर माइंड। कीप वॉचिंग, कीप एडिटिंग,
एंड गिव योर सजेशंस इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए. अगर कोई सजेशन है तो वो जरूर दीजिए. थैंक यू सो मच. कीप हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम.